नगर पंचायत अध्यक्ष अपने चिन्हित लोगों का ही चिन्हित कर करके जो उनको वोट दिया है उनका छोड़ दे रहे हैं, बीच बीच में अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। नगर पंचायत से अगर जेसीबी चला है तो नगर पंचायत से जितने रास्ते में अतिक्रमण है तो उनको हटाते हुए है, बीच में चिन्हित करके हटाने का काम कर रहे हैं। वो कल अभी वहाँ कन्हैया वर्मा का अतिक्रमण हटाया गया है, बीच में केवल चिन्हित करके हटाने का काम कर रहे हैं। जो उनको वोट दिया है उनका काम कर रहे हैं, जो वोट नहीं दिया उनका काम नहीं कर रहे हैं। ये बीच में अभी नवासी से नगर पंचायत ये हुआ है निचलौल, अभी तक नहीं हटा था, लेकिन आज ये इनके कार्यकाल में ये सीढ़ी भी तोड़ा जा रहा है, स्लैब भी तोड़ा जा रहा है। ये कैसा न्याय है, कैसा अन्याय है? अभी एक मामला उठा था पेट्रोल पंप को लेकर, उसके क्या कहेंगे? पेट्रोल पंप के लिए बीच में आप नगर पंचायत से चले हैं कार्यालय से, तो बीच में आप छोड़ के आप आके रास्ते में उसको छोड़ के फिर तीसरे का आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि वह नगर पंचायत से चलें तो रास्ते में जितना अतिक्रमण है पहले हटाते हुए वहां से आए, उसके बाद लास्ट तक जाने का काम करें। वह बीच में वो रुकने का काम अभी यहाँ जेसीबी लगी थी, यहाँ से हटाई गई है, क्या सामने दिखा दीजिए। अभी यहाँ तो हटाने का काम यही कहे कि वहाँ पहले पेट्रोल पंप हटेगा तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो चेयरमैन साहब के इशारे पे आगे बढ़ गए हैं। नहीं हटा है। टाउन एरिया की जमीन में है या कुछ और चीज़? नगर पंचायत PWD की जमीन में है। क्या लगाया गया पेट्रोल पंप के द्वारा? वो बोर्ड लगाए हैं अपना, सब लोग अपना बोर्ड लगाते हैं, दुकानदार अपना बोर्ड लगाते हैं, अपना टेला खुमचा लगाते हैं, शाम को चले जाते हैं, वो 2 रुपया कमाते हैं, गरीब आदमी है।